हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है और दूसरा भी डेसिमल नंबर है तो उसको किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। सो कई बार क्या होता है ना, कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है, इन डेसिमल नंबर में ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम इन जो पॉइंट्स है, ये जो डेसिमल है, उनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो 0625, और अगर ये रिमूव नहीं होते हैं तो उनको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई, जितना हो सकता उतना उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश हम करेंगे। सो देखिए, यहां पर इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, नीचे 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है तो 1000। इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए भी हम 1000 लगाएंगे, क्योंकि ये नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा और इसका इधर नीचे आ जाएगा। सो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा नंबर बचेगा वो रह जाएगा ये। अब हम इसको आसानी से जो है डिवाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 को हमें डिवाइड करना है 0.06 से, तो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें जो डिवीजर है, डिवीजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसका पॉइंट जो है वो रिमूव करना है। सो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब पॉइंट हटाने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जी हाँ, 100 से। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3600 और नीचे आ जाएगा 6। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 20.169 को हम डिवाइड करेंगे 0.83 से। ओके, सो इसको भी सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। डिवीजर का हमें पॉइंट जो है रिमूव करना है, सो क्या करेंगे, यहां पर जो है इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम 1000 लिखेंगे और इसको रिमूव करने के लिए 100। ओके, सो यहां पे आपकी 20 से 20 कैंसिल हो गई है, सो ये आपका आ जाएगा 20169 और नीचे आ जाएगा आपका 830। अब इसको डिवाइड करना जो है वो इजी हो गया है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, सोल्व करके कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा सर क्या आया। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो।